नमस्कार, आप सभी का वीडियो टीवी भारत में स्वागत है। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गुजरात में अब तक 60 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, तो महाराष्ट्र में 10 जुलाई तक बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 83 हो गई है। सिर्फ इन दोनों राज्यों में ही कुल मिलाकर अब तक 140 से अधिक लोगों की बारिश और बाढ़ के चलते जान जा चुकी है। गुजरात के मध्य और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश हुई है, इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अब तक 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित दूसरे स्थानों पर ले जाया जा चुका है, जबकि 468 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अहमदाबाद समेत कई बड़े शहरों में भारी बारिश से जल जमाव हो गया है। पॉश इलाकों में पानी भरने से लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है। उधर महाराष्ट्र के पालघर, नासिक, पुणे समेत कई जिलों में 11 तारीख से 14 तारीख तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ जिले में 12 और 13 तारीख की ओर रेड अलर्ट है, जबकि रत्नागिरी और कोल्हापुर में 12 तारीख को रेड अलर्ट किया गया है। गढ़चिरौली जिले में 12 तारीख को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मुंबई में आने वाले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी है। उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी भारी बारिश का दौर जारी है। इन राज्यों में मॉनसून की एंट्री के बाद से ही तेज बरसात हो रही है, जिससे कुछ इलाकों में पानी भर गया है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो सोमवार दोपहर को कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। इसी तरह के ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वीडियो टीवी भारत के साथ। नमस्कार।